और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं, इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर फ्रांस चिंतित है। यह बड़ी खबर इस वक्त पर आपको हम दिखा रहे हैं। सैनिकों की वापसी से आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। देखिए फ्रांस की इस बात पर ध्यान दीजिए, इलाके में इस्लामिक स्टेट का वर्चस्व बढ़ेगा, ये फ्रांस का कहना है। फ्रांस वो देश है जिसने हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को झेला है, जो कि वहां के राष्ट्रपति खुद कहते हैं। ट्रंप ने इराक से सैनिकों की वापसी की घोषणा की थी और फ्रांस इसको लेकर अब चिंतित है। उधर अमेरिका के नौसेना चीफ अचानक ताइवान का दौरा करने पहुंच गए। चीन की टेंशन इससे बढ़ी, ताइवान की सीमा में अक्सर गुस्ताखी करता रहता है चीन। डोकलाम में चीन की साजिश का बड़ा खुलासा। डोकलाम के पूर्वी हिस्से में भूटानी इलाके में बसा रहा है गांव। गांव बसाने के लिए 9 किलोमीटर लंबी बनाई सड़क। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का खुलासा। डोकलाम से 2 किलोमीटर दूर सड़क के साथ चीन ने बनाई सुरंग। एलएसी पर तनाव के बीच ड्रैगन की रही चाल। लद्दाख में चीन की चालबाजी को खत्म करने के लिए भारत ने रचा चक्रव्यूह। भारतीय सेना ने टनल डिफेंस सिस्टम किया तैनात। पीएलए ने ल्हासा में एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए। भारतीय सेना ने बड़े डायमीटर के ह्यूम कंक्रीट पाइप टनल में लगाए। टनल के जरिए सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। भारत के साथ बातचीत किया और दगाबाजी से बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन। एलएसी पर तेजी से रडार लगाने में जुटा चीन। येचेंग में एक बिल्डिंग और एक वॉच टावर बनाया। भारत और चीन के बीच 8 दौर की हो चुकी है बातचीत, जल्द ही 9वें दौर की बातचीत संभव। बातचीत के बावजूद चीन कर रहा है साजिश। और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अस्त्र मिसाइल का तेजस फाइटर जेट से परीक्षण किया जाएगा। भारत अस्त्र मिसाइल का बहुत जल्द परीक्षण कर सकता है। स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र, ये इसकी खासियत है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से इसका परीक्षण किया जाएगा। देश की सामरिक ताकत में इससे बड़ा इजाफा होगा, तो स्वदेशी फाइटर प्लेन से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। एनआरसी के सवाल पर असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान, कहा लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की नहीं बल्कि दो संस्कृतियों की है। बांग्लादेशी मुसलमानों ने असम में नई अवधारणा को शुरू किया। इमरान के आतंकवादियों के सहारे चीन दिल्ली से गिरफ्तार आतंकवादियों से बड़ा खुलासा। जैश के दोनों आतंकवादियों की लोकेशन कई बार चीनी बॉर्डर के पास ट्रेस की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकवादियों के चीन कनेक्शन की इस वक्त पड़ताल कर रही है। गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ और रजौरी में पाकिस्तान एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर गांव और आर्मी की चौकियों को निशाना बनाया। एलओसी पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस साल अभी तक 4000 बार किया सीजफायर का वायलेशन। जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिली सीक्रेट सुरंग आतंकवादियों को भेजने में होती थी इस्तेमाल। सैंडबैग और लकड़ी से छुपाई गई थी ये सुरंग। नगरोटा एनकाउंटर के बाद बीएसएफ ने शुरू किया था एंटी टनल सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों की सुरंग के रास्ते आने की जानकारी सामने आई थी। भारत सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारतीय नौसेना करेगी अभ्यास। आज से अंडमान में तीनों देशों की नौसेना दिखाएंगी दम। 25 नवंबर तक नेवी दिखाएगी ताकत। सिटमेक्स 2020 वॉर रिहर्सल से चीन परेशान। अभ्यास में तीनों देशों के जंगी जहाज दिखाएंगे ताकत। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव। एशिया समेत पूरी दुनिया में लोगों को गायब करने की घटनाओं को बंद करने की मांग। प्रस्ताव में चीन में उइगर मुस्लिमों के लिए न्याय और जवाबदेही का समर्थन। मानवाधिकारों के उल्लंघनों को लेकर सख्त कदम उठाने पर दिया गया जोर। नेपाल में चीन के खिलाफ मुसलमानों का प्रदर्शन। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार का विरोध। चीन में डिटेंशन सेंटर में उइगर मुसलमानों को किया गया है कैद। नेपाल के बीरगंज में जमियत उलेमाए नेपाल ने किया प्रदर्शन। मौलाना अली असगर मदानी कासमी की अगुवाई में उइगर मुसलमानों के लिए इंसाफ की मांग। बिहार में चुनाव के बाद आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र में 25 नवंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। पटना में विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों ने ली शपथ। विधान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने शपथ दिलाई। पीएम मोदी के सांसदों को नए फ्लैट की सौगात। आज करेंगे सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन को संबोधित किया, कहा दुनिया को जलवायु परिवर्तन गंभीरता से
लेने की जरूरत है। पीएम मोदी ने सोनभद्र और मिर्जापुर को दी पेयजल परियोजना की बड़ी सौगात। 5500 करोड़ की लागत से परियोजना को तैयार किया गया है। 41 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। राजनाथ सिंह ने दिवंगत मृदुला सिन्हा के परिवार से मुलाकात करके व्यक्त की संवेदना। पूर्व राज्यपाल का हाल ही में हुआ था निधन। और बड़ी खबर ड्रैगन से जुड़ी हुई। चीन का बॉन्ड जारी करने वाली संस्थाओं को चेतावनी जारी की गई है। अर्थव्यवस्था चौपट होने के डर से यह वार्निंग दी गई है। निवेशकों का पैसा नहीं देने पर कार्रवाई होगी, ये चीन कह रहा है। वित्तीय बाजार के नियमों को तोड़ने पर एक्शन होगा। तो चीन ने बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों को यह वार्निंग दी है। इमरान खान की मंत्री शिरीन मजारी की फेक न्यूज की फ्रांस ने खोली पोल। फ्रांस दूतावास ने ट्वीट कर झूठ नहीं फैलाने की दी सलाह। फ्रांस के नए कानून को लेकर पाकिस्तान सरकार में मंत्री शिरीन मजारी ने किया था ट्वीट। लिखा था मैक्रॉन मुस्लिमों के साथ वही कर रहे जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया। पाकिस्तान में आज इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का हल्ला बोल। पेशावर में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत सभी विपक्षी दलों के गठबंधन की चौथी रैली। इमरान सरकार और विपक्षी दलों में जबरदस्त जुबानी जंग। विपक्षी दलों के नेताओं का दावा, कुछ ही दिनों के मेहमान है इमरान। इमरान ने कहा कोरोना काल में विपक्ष लोगों की जिंदगी से कर रहा खिलवाड़। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में बीजेपी की बाइक रैली पर पथराव हुआ। सड़क पर पेड़ गिराकर बीजेपी नेता भारती घोष के जुलूस को रोकने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में शिवराज का गौ टैक्स को लेकर बयान। गौशालाओं के उत्थान के लिए लग सकता है गौ माता टैक्स। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बिना नाम लिए पार्टी हाईकमान पर साधा निशाना। कहा कि बड़े नेताओं का कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं, फाइव स्टार से चुनाव नहीं लड़े जाते। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला। बोला नेशनल पार्टी के लिए होनी चाहिए नेशनल सोच। 72 साल में सबसे निचले स्तर पर है कांग्रेस। जंगी तैयारी में जुटा चालबाज चीन। तिब्बत मिलिट्री कमांड आर्टिलरी ब्रिगेड ने की वॉर रिहर्सल। लाइव फायर ड्रिल में लाइट वेट फील्ड होविट्जर तोपों से भीषण बमबारी की। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख ने 6 दशक में पहली बार व्हाइट हाउस का किया दौरा। अटकलों के मुताबिक अमेरिका तिब्बत को अलग देश की दे सकता है मान्यता। अमेरिका के तिब्बत में बढ़ते दखल से चीन नाराज। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल बताया। अमेरिका को तिब्बत से दूर रहने की दी धमकी। सीरिया में ईरान समर्थक आतंकियों पर इसराइल की एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया ईरान का एयर स्ट्राइक के लिए इसराइल को सबक सिखाएगा। नागोर्नो काराबाख में रूस के साथ टर्की के सैनिकों की भी 1 साल तक होगी तैनाती। टर्की ने कहा रूस के साथ मिलकर करेंगे काम। टर्की ने नाटो और यूरोपियन यूनियन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा नागोर्नो काराबाख में जंग रोकने में रहे नाकाम, सिर्फ रूस और टर्की ने की पहल। और इस बीच ब्रेकिंग सायरन, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है ट्विटर पर। आरबीआई के फॉलोअर्स 10 लाख को क्रॉस कर गए हैं, ये बड़ी खबर। यूएस फेड रिजर्व यूरोपियन सेंट्रल बैंक को पछाड़ दिया है आरबीआई ने। ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में आरबीआई सबसे ज्यादा अब लोकप्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश के जिला आगर मालवा में शिवराज ने मनाया गोपाष्टमी का पर्व। सलारिया काउ सेंचुरी में पूजा अर्चना। बिग बॉस की रनर अप सना खान ने रचाई शादी। गुजरात के मौलाना मुफ्ती अनस के साथ की शादी। सोशल मीडिया पर पहली तस्वीर साझा की। ड्रग्स केस में भारती सिंह और पति हर्ष लिम्बाचिया 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में। आज होगी जमानत पर सुनवाई। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ड्रग्स लेने के आरोप में कोर्ट ने भेजा जेल। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने जुलर के 15 साल के बेटे का अपहरण किया। 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जो बाइडेन के पेरिस क्लाइमेट समझौते में शामिल होने के ऐलान पर डोनाल्ड ट्रंप ने साधा निशाना। कहा पेरिस समझौता अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगा। जापान की सेना में अब नहीं देखेगा F-4 फैंटम फाइटर जेट। लगभग 50 साल की सेवा के बाद F-4 बॉम्बर्स को कहा अलविदा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा बयान। कहा ट्रंप प्रशासन ईरान पर सख्ती बरकरार रखेगा, ईरान के खिलाफ हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। बाइडेन को ईरान के साथ 2015 में किए गए परमाणु करार की तरफ नहीं लौटना चाहिए। कहा 2015 की डील ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने में नाकाम है।
छह हफ्ते के भयंकर युद्ध के बाद नागोर्नो काराबाख में पटरी पर लौटी जिंदगी। लगभग 7,000 लोग अपने घरों में वापस आए, दुकानें भी खुली। कोरोना की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीएम मोदी कल कर सकते हैं मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए केस, 510 लोगों की मौत। अभी तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख को पार कर चुका है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा मौतें हुई है कोरोना की वजह से। एक दिन में कोरोना ने 121 लोगों की जान ली। पिछले 24 घंटे में सामने आए 6,746 नए मामले। योगी सरकार का कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए बड़ा फैसला। दिल्ली से यूपी आने वाले सभी लोगों का टेस्ट होगा। गुरुग्राम के कीर्तिनगर में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव करने वाली लैब का भंडाफोड़ हुआ। पैसे लेकर कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करते थे। फर्जी रिपोर्ट के आधार पर लोगों को विदेश भेजने का आरोप लगाया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत खराब हो गई है, वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एडमिट कराए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने CIA पर चुनावी धांधली में शामिल होने का लगाया आरोप। जल्दी जॉर्जिया में धांधली को लेकर नई याचिका दाखिल करने का ऐलान। ट्रंप की टीम ने पेंसिल्वेनिया में मेल बैलेट को लेकर जज के पुराने फैसले के खिलाफ दायर की अपील। जज ने ट्रंप टीम की याचिका खारिज कर दी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा वो जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं। कहा हम उसी के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों को भरोसा हो। ट्रंप ने साधा बाइडेन पर निशाना, बाइडेन के कैबिनेट बनाने की जल्दबाजी पर उठाए सवाल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में RSS की बैठक का दूसरा दिन। आज लव जिहाद पर चर्चा हो सकती है बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। तो प्रयागराज में RSS की बैठक का दूसरा दिन और आज लव जिहाद का मुद्दा गर्मा सकता है। हिमाचल में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे का फैसला लिया गया। 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक होगा डोर टू डोर सर्वे। मध्य प्रदेश के कोरोना का कहर लगातार जारी है। अस्पताल में एडमिट मरीजों में 20 से 25% ICU में एडमिट है। 24 घंटे में कोरोना के 1,798 नए मामले सामने आए। अभी तक 1,93,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड। ममता बनर्जी मंगलवार को पीएम मोदी के साथ करेंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोरोना संकट पर चर्चा होगी। दिल्ली के नांगलोई में 30 नवंबर तक सील की गई जनता मार्केट, नहीं हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना का जारी है कहर। 24 घंटे में 1,28,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। अब तक अमेरिका में 2,62,000 से ज्यादा मौत। कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका का बड़ा दावा, दिसंबर के शुरू में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन से सस्ती होगी रूस की Sputnik V। रूसी वैक्सीन की कीमत अगले हफ्ते होगी सार्वजनिक। पाकिस्तान में कोरोना से हालात बेकाबू, प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की चेतावनी। कराची में पहले लग चुका है लॉकडाउन। अफ्रीकी देश सेनेगल में मछुआरों में फैली रहस्यमयी बीमारी, इस बीमारी की चपेट में आए 500 लोगों को किया गया क्वारंटीन। चीन में भी फिर से कोरोना हो रहा है बेकाबू, उत्तरी चीन के शहर इनर मंगोलिया में लगाया गया लॉकडाउन। और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माउंट एवरेस्ट पर मंडराता संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। पहली बार चोटी के बेहद करीब मिली है माइक्रोप्लास्टिक। प्लास्टिक के छोटे छोटे फाइबर चोटी के पास मिले हैं जो कि एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेस कैंप के आसपास सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया गया है। सभी 11 सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक मिली और आप समझ सकते हैं इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है माउंट एवरेस्ट। गुजरात के 4 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू का फैसला। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में लगेगा कर्फ्यू। 57 IAS ट्रेनी अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मसूरी की एकेडमी 48 घंटे के लिए सील। 3 दिसंबर तक सभी गतिविधियां ऑनलाइन होंगी। उद्धव ठाकरे ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की, बोले इस पर ना हो सियासत, 8 से 10 दिन के अंदर होगी कोरोना की समीक्षा, लॉकडाउन के संकेत भी दिए। बेलारूस में सड़क पर उतरे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी, पुलिस ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को पीटा। मानवाधिकार संगठनों का दावा, 300 से ज्यादा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। मैक्सिको में राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का मार्च, मैक्सिको सिटी में अलग अलग राज्यों से आए प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन।
कोलंबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति इवान डुक्यू के सामाजिक और आर्थिक नीतियों का कर रहे हैं विरोध। ग्वाटेमाला में संसद में लोगों ने की तोड़फोड़, आगजनी, बजट कटौती को लेकर लोगों का प्रदर्शन। ग्वाटेमाला में स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट कम करने पर भड़की जनता, लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। ग्वाटेमाला में बजट कटौती को लेकर भड़की हिंसा के बाद एक्शन में फोर्स, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली में क्वारंटी लीव खत्म करने का विरोध किया गया। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के खिलाफ दिल्ली नर्सेस एसोसिएशन ने मांग उठाई। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में लोगों ने तोड़े कोरोना के तमाम नियम, लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कश्मीर घाटी में बिगड़ा मौसम का मिजाज, मौसम से बचाव के लिए लोगों ने की तैयारी। यूपी के देवरिया से बीजेपी के सांसद पर पार्षद ने लगाया मारपीट का आरोप, पार्षद ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते कंपनियां कर सकती हैं दूसरे राज्यों का रुख, कंटेनर फंसे होने के चलते इंडस्ट्रीज झेल रही हैं दोहरी मार। रूस में पार्टी में शराब खत्म हुई तो सैनिटाइजर पी गए लोग, 7 की मौत, 2 कोमा में, 9 लोगों ने पिया था सैनिटाइजर। अंतरिक्ष से समंदर की निगरानी करेगा अमेरिका, कैलिफोर्निया में स्पेस एक्स फॉल्कन रॉकेट के जरिए नया ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च। बेल्जियम में क्रिसमस से ठीक पहले क्रिसमस ट्री को सजाया गया, ब्रसेल्स में 59 फीट ऊंचे पेड़ को रोशनी से सजाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी का सिर्फ एक मकसद मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना, दिल्ली के नगर निगम चुनाव में उतरेंगे पैराशूट से नेता। यूपी के बाराबंकी में दलित लड़की से गैंगरेप की वारदात, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, पीड़ित परिवार का पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। यूपी के नोएडा सेक्टर 145 में एक अज्ञात महिला का शव मिला, जांच में जुटी है पुलिस। हाथरस कांड के 4 आरोपियों की होगी ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट, सीबीआई सबको गांधीनगर लेकर आई है। मध्य प्रदेश के दतिया में दबंगों ने दलित परिवार से की मारपीट, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों को खदेड़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा वादा, कहा रूस जरूरत पड़ने पर किसी भी देश को कोरोना वैक्सीन देगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम लगातार जारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।